हमारा तुम्हारा प्रोफाइल ना मैच ही नहीं करता है। वो का है? यही कि जो तुम रह रहे के ना छिछोरागिरी करते हो ना, यही एक प्रॉब्लम है। अरे पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुमको सीरियस वाला लव चाहिए कि टाइम पास वाला। ये लफूगिरी छोड़ो, प्यार इश्क मोहब्बत उस पे फोकस करो। मेंटल हो गई है ये लड़की, आग से खेल रही है। अरे हमारा लव तो 100% है, शुद्ध देसी लव, नो मिलावट। जो सरक छाप स्टाइल में गहना लूटे हो ना, वो वापस करो। बोले इतना पाऊ भैया, काची कौन गहना? ये वाला। अब ज्यादा ना होशियारी मत झारो, हमको सब जानते हैं कौन कौन शामिल था उस कांड में, कौन पापा को कॉल किया, कौन मैनेजर का फोन गायब किया और कौन गमछा पहने हुए। देख लो बॉबी, हम दोस्ती एक्सेप्ट किए हैं तुम्हारा, लव तक जाएंगे, पर क्या बॉबी भैया बोला था ना, रियल है रियल। चुप। पर क्या? पर यहाँ ना दोगो बहुत सीरियस वाला प्रॉब्लम है। अरे क्या प्रॉब्लम है दोगो सीरियस वाला? एक तो ये गहना चोरी करके तुम अपना इमेज लवर से लफंदर वाला बना लिया, और दूसरा आज दोस्ती है कल लव होगा, और शादी के बारे में तो सोचे होगे ना तुम। अरे हो गया बॉबी भैया हो गया। अब तुम सोच लो, अगर तुम गहना वापस नहीं करोगे तो बड़की दी की शादी टूट जाएगी, उसके बाद बड़की दी घर में बैठ जाएगी, फिर मंजली दी भी घर में बैठ जाएगी, वो भी बिन बिहाए। अब उसके बाद हमारा शादी का नंबर कब आएगा, मतलब कब? हम तो जानते हैं कि सीता हरण तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम रावण थोड़ी ना हो। कृष्ण, राइट कृष्ण, इसको इतना बुद्धि कहाँ से आता है रे? हमको इसका तो प्लानिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। सोच लो बॉबी, तुमको रावण बनना है या कृष्ण, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि गहना किसके पास है, और अगर हम पुलिस में कंप्लेन कर दिए तो वो आएगी और तुमको एक बराती के साथ उठा के लेके जाएगी, और उसके बाद जेल में जो खातिरदारी करेंगे उसका तो पूछो ही मत। और अभी जो तुम्हारा इमेज है ना लफंदर का, उस इमेज के साथ ना क्रिमिनल का इमेज भी जुड़ जाएगा। लेकिन हम जो तुमको ऑफर कर रहे हैं ना, सच कह रहे, उसमें दोस्ती है, लव है, हम दोनों का फ्यूचर है। ये चाल है बॉबी भैया। अरे नहीं नहीं यही तो प्यार है बॉबी भैया, प्यार है। राइट ठीक है, तुम यही रुको, हम आते हैं। ठीक। अरे नहीं भैया। ए बबलूबा। अरे जाओ बॉबी भैया जाओ। अरे जाओ। प्राउड ऑफ यू माय सिस्टर। सांप से दोस्ती मिस्टेक है। लगा फोन। अरे अम्मा नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग।
आप कुछ कीजिए ना, पता नहीं कहाँ ये तीनों लोग। हमसे पूछ के गए थे, पर इसी घर के काम से गए थे ना। घर का काम? काम खराब किए थे वो लोग, वही ठीक करने गए हैं। नहीं, कौन से गुंडे मवालियों से मिलने गए हैं? बेटिया तो आपकी भी है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। चैलेंज दिया ना हमको, अब देखो तो सही पास होती है कि फेल। 30 लाख से एक अठंडी कम नहीं होगा। एक एक पीस 22 कैरेट का है। हम झूठ बोल रहे हैं का? हम पर ट्रस्ट नहीं है, है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो हम दूसरे आदमी से बात करते हैं। तो भेजिए भेजिए अपना आदमी, जल्दी भेजिए सारा कैश लेके। अरे गहना हमारे पास है, तभी हम बात कर रहे हैं। हमारे पास है, हमारे घर में है और हमारे टेबल पे। कहाँ है? तो भैया ससुर हमार औलाद ही नहीं, गलत करें बाबू भैया। अरे लव इज ब्लाइंड, अरे प्यार अंधा होता है। ये ब्लाइंड लोग, ये तुम्हारा बॉबी भाई भाग तो नहीं गया? कहे कि अगर पुलिस आई ना तो बिना दुल्हे ना ही बराती को लेके जाना पड़ेगा। तो प्यार सच्चा है? हमरा तो सच्चा है, तुम्हारा सच्चा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? एक ठो किस दोगी? बोलो। एक पे एक किस फ्री है क्या? नहीं हो, तुमको पता भी है किस प्यार के किस लेवल पे मिलता है? किस लेवल पे दिया जाता है? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना और हद से फिर बाकी तो तुमको पता ही है। थैंक यू। अरे बाप रे, अरे हम तो फेंट हो जाएंगे रे बाप। मैसेज करना, फिर मिलेंगे। ठीक, बाय। जस्ट सुनती हो? ओ घर छोड़ दे। अब घर छोड़ा छोड़े नहीं, मुलाकात होगी। तुम दिख लो अपना बराती लेके। सी यू सून। रे बाबलू, हार्ट बीट फास्ट हो गया रे। तुम ना बहुत कमाल हो चटंकी। यस, चलो चलो। पुलिस को फोन लगा। नहीं बड़की, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। कोई जरूरत नहीं है चटंकी, तू ठीक तो है बेटा?
हम ठीक है मम्मी, पर तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? मेरा घर से विदाई थोड़ी हो रहा है। ये बैग, अरे भाड़ में जाए बैग, तुम लोगों को कुछ हो जाता ना तो हम तो खत्म ही हो जाते। मम्मी गए, तुम एकदम सख्त जानो, तुम इतना जल्दी नहीं मरोगी। हम भी ठीक है मम्मी। हाँ बेटा, कहते हैं ना छुटन की मम्मी की फेवरेट है। लाओ ये गहना चेक कर लेते हैं, सब ठीक तो है? देखें, सुनार को बुलवा के भी चेक करा लीजिए पापा। कुछ कम हुआ ना तो इस बार ब्लेम हमको कीजिएगा, रुमाल को नहीं। तुम्हें ये मिला कहां से? किसने लिया था? भैया बस इतना समझ लीजिए कि ना इसमें रुमाल की और ना हमारी कोई चाल है। अपनी जान पर खेल कर लाई है छुटन की। हाँ भैया, ये बहुत भयानक लड़की है। हाँ पर लाई कहां से? भैया सीक्रेट है, नहीं बता सकते। It's too much. This is not too much भैया। आप जो भाभी के साथ कर रहे हैं ना, वो too much। अरे अब छोड़ो ये बात को। 30 लाख का गहना लौट आया है, ये क्या कोई कम बात है? अब थाना तहसील क्या करना है? कितना निसंक आदमी है, बेटे को कुछ हो जाता तो। तुम्हारी छुटकी को कुछ नहीं होता। थैंक यू नहीं बोला? मारेंगे तुमको, सबका जान गले में अटका हुआ था। ए चुटन की, कैलाश माँ को कहा बोली रे? भैया जो भाभी के साथ कर रहे हैं ना, प्यार में इन्वेस्टमेंट, मोहब्बत में सेक्रीफाइस और लव में दान, और मेरा बबिया महान। तीस लाख रुपए लुटाई आया उस लड़की पे जिसे 4 दिन पहले लव खा कराया था। तुझे क्या लगा तू जैसे लड़के को लड़की लव छोड़ डफरत भी ना करे? तू जैसे से क्या मतलब है आपका? अरे तू जैसे से क्या मतलब है आपका? अरे जो बाप अपना बेटा को ही इतना लो ट्रीटमेंट देगा, वो बाप के बेटे के लव को कब बुझेगा? अबे उल्लर, ये लव नहीं धोखा है। हम भी तो यही कह रहे सब चाचा, लेकिन ये मानता ही नहीं। एक तो गहना दिया है और मिला क्या, एक तो उसी में नहीं दिया उस लड़की ने। अरे बबलू तू इनको क्या कह रहा है? ये आदमी जो अपने आप से इतना नफरत करता है, वो कब बुझेगा कि लव कौन फतिंगा का चीज है? क्या बोली, क्या बोली बोलो? वो बोली कि हम जो अभी ऑफर दे रहे हैं ना, उसमें दोस्ती है, लव है, फ्यूचर है। ए, हम फ्यूचर में इन्वेस्ट किए हैं पिताजी, फ्यूचर में। हम खुद से नफरत करते हैं, ये बोला ना, ये बोला ना अभी। तो सुन बोबिया, हम अपने से लव करें या ना करें, पर तुझसे लव करते हैं। लव बहरा, काना, लूला, लंगड़ा, मूर्ख, विद्वान, कुछ भी हो सकता है, पर अंधा नहीं होता। अंधी होती है शरीर की भूख, और जब ये जागती है ना
तो बासी रोटी भी हलवा लगती है और विष कन्या भी अप्सरा लगती है। लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना कि सूद मिले या ना मिले पर मूल सुरक्षित रहना चाहिए। और तुम देख लेना यहां तुम्हें ना मूल मिलेगा और ना सूद मिलेगा और ऐसा जुर्माना पड़ेगा कि लंगोट बचाना भारी पड़ जाएगा। ये लड़की लव नहीं लावा है, लावा जिंदगी को भाप बना देगी। कह देते पोकट का फेकड़ा बोलता है। कैसा चल रहा है काम धंधा? बस अच्छा चल रहा है। और मार्क्स अच्छे हैं? ग्रेजुएशन में इतने कम मार्क्स कैसे? भैया एक्चुअली हम एग्जाम से पहले थोड़ा बीमार हो गए थे। और एमए तब भी बीमार पड़ गए थे? नहीं भैया दरअसल वो अरे पांडे जी के तीन गो ईट भट्टा है। तीन नहीं छह। अच्छा अब बोले राकेश को क्या रखा है इस नौकरी में है? बिजनेस में हाथ बटाओ, तुम्हारा एक साल का बैंक का तनख्वाह हम एक हफ्ता में कमा लेते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, आजकल नौकरी कौन करता, सब व्यापार ही करते हैं, बिजनेस ही करते हैं। अब हमें देख लीजिए, सरकारी स्कूल में मास्टर थे, बस छोड़ दी नौकरी और अब देखो ठाट। क्या बात। शादी का खर्चा वर्चा कुछ ज्यादा नहीं है? भैया हम पापा से बोले रहे, ऊपर वाले का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, क्यों ना हम ही शादी का खर्चा। अरे बस बस नया जुका बात विचार रहने दो, वो क्या है ना कैलाश बाबू, स्टेटस और रुतबा देख के ही खर्चा करना पड़ता है। अब नंगा बुच्चा आदमी नहीं ना है ना हम लोग है? आपका पापा भी बिजनेसमैन, हम भी बिजनेसमैन, तो लोक लाज देखकर लेवल बढ़ाना पड़ता है। आप ये सब छोड़िए, आप तो बस शादी का सही मुहूर्त निकलवाई। अब लोक लिहाज तो हम ही तय करते हैं, और फिर कानून भी तो वो पंडित बता रहा था कि अभी अगले हफ्ते ही शादी का एक डेट है। पर पापा मुझे उधर मुंबई का क्लिनिक भी देखना होगा ना, वो सब मैनेज हो जाएगा ना कैलाश। अरे तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। और फिर मले मास चालू हो रहा है, 3 महीने तक शादी का कोई तारीख नहीं है। अरे हम तो कहते हैं भाई अब फटाफट लगन का तारीख निकलवाइए। पापा रिलैक्स, जस्ट चिल, एक बार बड़की और राकेश एक दूसरे से मिल लें। वो क्या बात है बेटा कि तुम्हारा वाला प्रॉब्लम इधर नहीं होगा, क्योंकि लड़का लड़की दोनों एक लेवल के हैं। क्या कह रहे कैलाश बाबू? अरे पूछ रहे हैं कि बाराती कितना होगा। बाराती 400। 400 बस? अरे नहीं और भी है, मेरी बहन आ रही है अच्छी बुआ मुंगेर से, उसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट लिस्ट है। पांडे जी जाने दीजिए, चल चल आइए शाह बेटा। प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू। अरे मुखी लाओ भाई। हाँ आइए कैलाश बाबू, ये ले। Hey, you don't have to be formal. अरे नहीं नहीं ये तो भैया आप पहली बार हमारे घर आए हैं और ऊपर से मेमोरीज कुछ यादें। फोकस बाजी है अच्छी ज़्यादा। ये स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगा पाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? पापा लड़का कोई खास नहीं लगा, जो खर्चा ये लोग गिनाए हैं उस हिसाब से तो खर्चा सब हम समझा देंगे, पहले तुम घर तो चलो।
वाओ, ये सब कहाँ से की भाभी आप? थोड़ा किताब से और थोड़ा इंटरनेट से। हाथ की सफाई से तो लगता है बहुत प्रैक्टिस की है भाभी आपने। हाँ, हमारे पापा को तो आधा अंग्रेज बना दिए हैं हम। तो यहाँ किसको अंग्रेज बनाने वाली हो भाभी आप? बनाएंगे नहीं, बनेंगे भैया के लिए। भाभी आपको मालूम है भैया भी इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, पूरा अंग्रेज बनकर लौटे। चाकू चिड़ी से क्या खाते हैं, दबाव। तो उसी अंग्रेज भैया के लिए तो भाभी अंग्रेज बन रही है ना, तुमको पता नहीं है। वैसे बॉम्बे में कुछ हुआ था कभी बताया नहीं भाभी।